महात्मा जी ने तो, गांधी जी ने तो बहुत जबरदस्त प्रेरित किया कि विद्या की मैतारी बुद्धि नहीं है, बुद्धि की बेटी जो है वो विद्या है, विद्या की बेटी बुद्धि नहीं। और यदि बुद्धि है तो साझा बना सकता है। यदि कोई हिंदुस्तान की धरती पे एक आदमी पैदा हुआ है और मनुष्य भी एक ही आदमी पैदा हुआ है, ये अजीब देश है। उन पर मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन इंसान तो एक ही बना, एक ही पैदा हुआ है। और साझा विरासत उसकी जवान से उसके, और वो कोई विश्वविद्यालय का आदमी नहीं था, बहुत पढ़ा हुआ आदमी नहीं था। आज भी लोग कहते हैं कि वो पढ़ा हुआ आदमी नहीं था, पढ़ा लिखा आदमी का एक आदमी था कभी, जो किसी बेबस महिला की संतान है, जिसकी न जात है न धर्म है। और जिस देश में जात और धर्म नहीं है और ऐसा कोई आदमी पैदा है, उसका नाम कभी है, इंसान तो एक ही पैदा है, ऐसा मान देश है। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, उन पर नहीं जाता, लेकिन उस आदमी ने साझा बना सकता इतना बड़ा। कबीर को जाओगे, पढ़ोगे, लिखोगे, तो कबीर को जरूर देखा, इंजीनियर। लेकिन किसी आदमी से मेरी जो भेंट हुई है, या किसी आदमी की जीवन से यदि कोई सबसे ज्यादा मुझे हर तरफ से सच्चाई झलकती है, उसका नाम महात्मा कबीर है। इंसान भी एक ही बना, ऐसा मान देश है। जब मर गया तो मुसलमान भी लेटा हुआ मगर में, और हिंदू भी लेटा हुआ, एक तरफ मंदिर है वो घंटा बजा रहा, और मुसलमान उधा होकर के नमाज पढ़ रहा, ढूंढ रहे कि कबीर कौन जात का था, कौन धर्म था। आजकल एक दो तीन किताब मुझे लिखी, उसमें जात का दिखा ना कनेक्शन बता रहे कि वो पता नहीं जाता, कबीर की कोई जात नहीं। आराम तो कौन सी हर इंसान के लिए क्या क्या चीज ना चाहिए। आज इंसान को जीना ऐसा चाहिए, झीली 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 चल गया आज कबीर जतन से भी जस की तस गिरी चल गया। इंसान ऐसा जीना चाहिए कि कोई दाग न लग जाए। प्रकृति ने, परमात्मा ने इंसान की जिंदगी को बनाने में बड़े जतन किए थे। जैसे कपड़ा बनाने वाला आदमी सूत सूत करके कपड़ा बनाता है, उसी तरह परमात्मा ने, प्रकृति ने ये इंसान बनाया। इसे ऐसा जीना इस पर कोई, जैसे चादर देखते हो, चादर को दाग नहीं। कबीरा हम पैदा हुए जग हासे, तो करनी ऐसी कर चलो महाशय। एक बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे यानी हिंदुस्तान की जो साझा विरासत है, संविधान से पहले किसी आदमी ने लिखी, तो उसका नाम कबीर है, जरूर उसके पास जाओ। यदि हर तरह की बीमारी से मुक्ति चाहिए तो जरूर कबीर के पास जाओ। साझा विरासत का यदि कोई एक टोटलिटी में, संपूर्णता में कोई एक आदमी हिंदुस्तान में है जिसमें सब तरह की, एक नहीं हो, कोई कमी नहीं है, हर तरह का, हर बीमारी पर हमला किया उसे, ऐसा अद्भुत आदमी है कि जिंदगी भर अनवरत, तो लोगों ने कहा कि बनारस में स्वर्ग का रास्ता है, वो जो घाट में पहुंचा मन करता। कबीर उसी समय विद्रोह करके कहता है, नहीं मुझे स्वर्ग वर्ग नहीं जाना, ना नरक जाना, ना मैंने देखा है, ना जानता हूं, मैं तो जहां पैदा हुआ था मगर में। और नगर में
मैंने कहा कि दोनों धर्म के लोग इनकी बात कर रहे हैं, वो अंधे बैठे हुए ढूंढ रहे कि मुसलमान था या इंसान, हम बनना कैसे ठीक है। यानी संकट है 19 का, संकट है 19 का, अभी चुनाव आने वाला देश का, अभी सूबे का। यानी दो तरह की इंसान की जिंदगी में दो तरह की सोच होती है। कुछ सोच जो है वो तात्कालिक होती है, खाना पीना नौकरी, तो आज के नौकरी का तो कोई मतलब ही नहीं, जो पढ़ रहा है नौकरी। हम लोगों के जमाने में तो कैंपस में सिलेक्शन होता है, हम इंजीनियरिंग कॉलेज में थे तो हम पढ़े फर्स्ट ईयर फिर फाइनल ईयर में जब एग्जाम पास कर गए तो हमको जो डॉक्टरेट लोग आते थे हमारा किसको भी सिलेक्शन सिलेक्शन करते थे आकर के काम कैंपस, वो तो मैं सुनते ही नहीं कभी होता है। अब तो डॉक्टरेट ने भी अपने हाथ पाँव सिमट दिए, रोजगार के सब तरीके बंद कर दिए। ये नोटबंदी के चलते सीताराम बता रहे थे 3 करोड़ लोग बेकार बेरोजगार, रोजगार का लगे थे चलते, रोजगार भी उनका छोटा है 7,000, 5,000, 6,000, 8,000, 9,000, किसी तरह से जीवन खिसक खिसक के जी रहे थे, वो भी मत बन गया। तमाशा जी एस टी अभी आ रहे थे तो ये अली अनवर जी और सीताराम जी बात कर रहे थे। कल मैं यहाँ से जब जा रहा था तो मेरे साथ में बातचीत चल रही थी गुलाम जी से, अपने नेता है भूषण में गुलाम में लिया था 4 बार वोट, ये है इनके डिजिटल, ये है डिजिटल। तो एक पूरा बड़ा भारी आदमी है उसने जियो चला दिया, जियो जीने दो, जियो जीने दो, जीने जीने दो, ऐसा हमारा था तो बोलते हुए जिएंगे जिएंगे, लूटेंगे लूटेंगे। इसलिए इस जिंदगी में कुछ तात्कालिक काम होते, नौकरी होती, शादी ब्याह, पर लंबे समय का मकान, तो कुछ सवाल दूर के हैं, लंबे हैं, बेकारी बेरोजगारी गरीबी भुखमरी जुर्म अन्याय कदम कदम पे देश में विषमता सब चीज है। उनका भी निदान 70 बरस में नहीं कर पाए, आगे कर पाए, वो लंबी लड़ाई। लेकिन ये लंबी लड़ाई के बीच में ये तत्काल अभी अभी चुनौती सामने है चुका 19 में, ये जो सरकार 5 बरस की है, और आपका काम ये है कि सरकार ने जो कहा था ये वोट ईमान है, और इस ईमान मतदाता जो है उसका वोट जो है वो ईमान है, और सारे 125 करोड़ लोगों से किया हुआ वादा उससे बड़ा ईमान है। लोकतंत्र में उसको जो तोड़ता है वो लोकतंत्र को बहुत बहुत तबाही के बगदार हो रहा, तबाह हो गया। तो इनने वादे किए थे किसान को 1.5 गुना दाम देंगे, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, अच्छे दिन लाएंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे। तोड़ना चाहिए कि ये वादे पूरे हुए कि नहीं। कोई सरकार हो जो चुनाव के समय वादा करती है और उस वादे को जो सरकार तोड़े, इस वोट का जो आपके पास ईमान है इसका पहला फर्ज है कि जो वादा खिलाफी करे वो लोकतंत्र को नाश और सर्वनाश की तरफ उसे मिटाना, उसे तबाह करना, तबाह नहीं करना कोई जरूरत नहीं है, उसे इन वादा खिलाफी की सजा जो है वो अपने चुनाव में देना। और आने वाला 19 का चुनाव जो है वो आपके सामने तत्काल 2 बरस बाद चले नौजवानों, पार्टियां और पार्टियां में हमारे जैसे लोग हैं, अब तो देश आने वाला आपके हाथ में। मैं आया यहाँ इसलिए हूँ
यहाँ से पूरे देश के कस्बे से लेकर शहर से लेकर कबाल टाउन से लेकर दिल्ली से दिल्ली अपना फर्ज पूरा करेगा।